हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, व्हाट कॉज्ड द फ्लड इन सिक्किम। तो जो सिक्किम में रिसेंटली फ्लैश फ्लड हुआ था, तो हमने उसके बारे में पढ़ा भी था। ग्लेशियर जो था वहाँ पे, उसके मेल्ट के वजह से ये फ्लड आया था। लेक था वहाँ पे एक, तो देखते हैं क्या है इसमें आगे। देखिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो क्या है वहाँ पे, क्यों है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में हम लोग को सारी चीज़ें बताई गई हैं। मोर देन 25 पीपल हैव बीन कन्फर्म्ड डेड एंड मेनी मोर आर मिसिंग फ्रॉम द मैसिव फ्लड दैट रिजल्टेड फ्रॉम द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट इन सिक्किम इन अर्ली आवर ऑफ अक्टूबर 4। द वॉल्यूमिनस फ्लो ओवरफ्लो हैज़ डिस्ट्रॉयड द चंगथांग डैम। तो ये एक डैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखिए, विच इज़ क्रिटिकल टू द टीस्टा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड रेंडर्ड सेवरल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलॉन्ग द रिवर डिसफंक्शनल। ठीक है, एक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वॉट इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। तो देखिए ये है क्या। टेक्निकली कॉल्ड द ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लो GLOF, दीज आर इंस्टेंस ऑफ लार्ज लेक फॉर्म फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स सडनली ब्रेकिंग फ्री ऑफ देयर मोरेन नेचुरल डैम एंड दैट आर फॉर्म फ्रॉम रॉक सेडिमेंट्स एंड अदर डेब्रिस। तो यहाँ पे ग्लेशियर के मेल्ट होने के वजह से ये बनते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर के वजह से बनते हैं, और जब ये ज़्यादा मेल्टिंग हो जाए तो अपना जो उनके मोरेन नेचुरल डैम से उसको वो ब्रेक करके ओवरफ्लो हो जाता है। तो देखिए, द साउथ लोनक ग्लेशियर, यही ग्लेशियर अपना मेल्ट हुआ है, लोकेटेड इन द नॉर्थ सिक्किम, इज रिपोर्टेडली वन ऑफ द फास्टेस्ट रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। द ग्लेशियर्स रिसीडेड नियरली 2 किलोमीटर इन 46 ईयर फ्रॉम 1962 to 2008। इट फर्दर रिट्रीटेड बाय -400 मीटर फ्रॉम 2008 to 2019। माइनस नहीं है शायद ये। देर आर एन एस्टिमेटेड 7,500 ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज एंड GLOF हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द मेजर डिजास्टर थ्रू द ईयर्स। रिपोर्ट इन द जर्नल नेचुरल काउंट्स दैट 1926 जम्मू एंड कश्मीर दिल्ली एंड 1981 किन्नौर वैली फ्लड्स इन हिमाचल प्रदेश एंड 2013 केदारनाथ आउटबर्स्ट इन उत्तराखंड एज एग्जाम्पल ऑफ GLOF। तो GLOF जो उत्तराखंड में भी 2013 में हुआ था वो भी ग्लॉफ था। आप देखिए, जम्मू कश्मीर का 1926 भी ग्लॉफ था और किन्नौर वैली का 1981 भी ग्लॉफ था। और ग्लॉफ क्या है हमने पढ़ा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो ऊपर में ग्लेशियर है, मेल्ट होगा, पानी बढ़ेगा, जो लेक है वो अपने बैरियर्स को तोड़ेगा, डैम्स को तोड़ेगा और यहाँ पे फ्लड आएगा। तो यही है आपका ग्लेशियर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो फ्लड। तो चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोव रिलेटेड डिजास्टर। अमंग द हिमालयन स्टेट्स इन इंडिया, सिक्किम हैज़ अबाउट 80 ग्लेशियर्स, मोर देन एनी अदर स्टेट। तो यहाँ पे 80 ग्लेशियर्स है। ओवर द ईयर क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैव वॉर्न्ड अबाउट दे कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेक आउटबर्स्ट। तो पहले से बोला जा रहा है, हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, पर कोई ध्यान दे तब ना। वॉट ट्रिगर्ड द सिक्किम ग्लोव इवेंट। तो क्या ट्रिगर पॉइंट क्या था। देर इज अनसर्टेनिटी ऑन दिस पॉइंट। सेटेलाइट इमेज फ्रॉम द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड अराउंड 105 हेक्टेयर, अबाउट 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ग्लेशियर फेड लेक हैज़ बीन ड्रेन्ड आउट। दिस वॉज ऑन कंपेयरिंग इमेजेस टेकन ऑन September 28 वेन द लेक स्पेंड 167 हेक्टेयर ऑन द October 4, द नाइट ऑफ द डिजास्टर वेन इट श्रंक टू 62 हेक्टेयर। ऑन September 17 इट वॉज 162 हेक्टेयर। तो आप देखिए, 167 से 160 अरे 167 से 167 से 62, इतना पानी तो उसका निकल गया, हम ये देख रहे हैं। एज अ सेटेलाइट इमेज डोंट रिवील द डेप्थ ऑफ द लेक, कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लेक इज चैलेंजिंग विदाउट फिजिकल विजिटिंग द प्लेस, अकॉर्डिंग टू कलाचंद सेन, डायरेक्टर DST वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो जो आपके सेटेलाइट्स है वो देखो ऐसे ऊपर से दिखा तो देंगे इतने दूर में, इतने हेक्टेयर में लेके, पर जहाँ तक बात रही उसके वॉल्यूम की, उसके लिए हमें डेप्थ भी चाहिए होगा भाई, कितना डीप है। अब ज़्यादा डीप होगा तो पानी ज़्यादा होगा, वो तो सेटेलाइट इमेज नहीं बताती, इसलिए सैटेलाइट इमेज से हम ये चीज फाइंड नहीं कर पाएंगे। हाउएवर, वाटर मॉनिटरिंग अपेरेटस मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल स्टेट वाटर कमीशन CWC रिपोर्ट दैट वाटर लेवल सर्ज नियरली 60 फीट अबव द मैक्सिमम लेवल एट द
संघ का लिंग एट 1:30 PM एंड गस्ट एट नियरली 55 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एट वेरी लीस्ट थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इन अ शॉर्ट टाइम एंड बींग मिड नाइट गेव वेरी लिटिल लीड टाइम फॉर पीपल डाउन स्ट्रीम टू रिएक्ट। तो रात के 12 बजे मतलब मिड नाइट मतलब वही आधी रात को अगर ये चीज़ आएगी तो लोगों को लोग अवेयर भी नहीं होंगे। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी रिपोर्ट्स दैट द प्राइमरी रीजन फॉर सडन सर्ज अपियर्स टू बी अ लाइकली कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल, तो एक्सेस रेनफॉल हो गया एंड ग्लोफ इवेंट, तो ये दोनों जब मिल गए तो आप देखिए ये चीज़ फ्लड आ गया। द लेक इज एट अ हाइट ऑफ 5,200 मीटर एंड टॉवरिंग आइस कैप्ड फीचर्स एट अबाउट 6,800 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ द टू द नॉर्थ ऑफ एंड इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लेक। दिस देर इज स्पेक्युलेशन डेट हैवी रेनफॉल माइट हैव टिप्ड द मोरेन टू कोलैप्स एंड ट्रिगर द फ्लड बट मेटेरियोलॉजिकल रिकॉर्ड डोंट रिवील एनी एविडेंस फॉर सच हैवी रेन। देर वॉज हैवी रेन इन साउथ सिक्किम बट नथिंग रिमार्केबल इन द नॉर्दर्न रीजन। एम मोहपात्रा डायरेक्टर जनरल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टोल्ड। तो इन्होंने बताया कि भाई हैवी रेन तो जो आपका सिक्किम है नॉर्थ में नहीं हो रहा था, आपके साउथ में हो रहा था, तो इन्होंने तो ये चीज बता दिया। तो क्या हैवी रेन तो रीजन में कैसे हो गया जब एक्सेस रेनफॉल साउथ में हो रहा है, तो कैसे वहां के मोरेन्स उसके बैरिकेडिंग सारे ब्रेक हो गए। बट ऑन द अदर हैंड वी डोंट रियली नो एट सच हाइट देर इज नो मोनिटरिंग ऑफ रेनफॉल, उतने हाइट पर रेनफॉल की कोई मोनिटरिंग नहीं है। देर इज ऑल्सो सजेशन डेट अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक इन नेपाल ऑन October 3rd इन आफ्टरनून हुज ट्रेमर्स जोल्टेड सेवरल इन द न्यू दिल्ली कैपिटल रीजन माइट हैव प्लेड अ रोल। तो ये भी बोला जा रहा है जो अर्थक्वेक आया था 3rd October को, उसके बाद 4th को यहाँ पे ये हो गया, तो हो सकता है उसके वजह से भी चीज़ें खराब हुई हों। एंड देर वर टू ट्रेमर्स इन द आफ्टरनून एंड आफ्टर शॉक अंटिल देन अबाउट 9 PM ऑन द 3rd। द डिस्टेंस अंटिल लोनक लेक इज अबाउट 700 किलोमीटर एंड सो इट्स थियोरिटिकल पॉसिबल दैट दिस कुड बी ट्रिगर एंड मिस्टर स्टेन विदाउट अ डीपर स्टडी इट इज ऑल स्पेक्यूलेशन। इन्होंने साफ बोला कि ये सारी चीज़ें स्पेक्यूलेशन है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हम बता रहे हैं पर अभी तो स्पेक्यूलेटी कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई है। द इनएसेबिलिटी ऑफ द टेरेन मेक्स ग्राउंड ऑब्जर्वेशन दैट प्रोवाइड कंक्लूसिव प्रूफ डिफिकल्ट। तो यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे डिफिकल्ट है हमें कि वहाँ पे ट्रेन उसका ऐसा नॉर्मल ट्रेन नहीं है। व्हाट वाज द रिजल्टिंग डैमेज, तो डैमेज क्या क्या हुआ है। द मोस्ट विजिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्लडिंग वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द चुंगटैंग डैम। तो आपका चुंगटैंग डैम जो है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हुआ है। दो नॉट ए स्टोरेज डैम इट डायरेक्ट्स वाटर टू अ पावर ऑफ टीस्टा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सिक्किम ऊर्जा विच रन्स द प्रोजेक्ट इज कोटेड एज सेइंग डैम वॉज वॉश्ड अवे इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट नहीं लगा इस डैम को खत्म होने में। सीनियर ऑफिशियल्स इन द CWC सेड दैट द डैम इज सिग्निफिकेंटली डैमेज एंड द क्वांटिटी ऑफ द स्लिट एंड वाटर प्रेजेंट मेड इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज। तो ये अभी इतना वहाँ पे सिल्ट है मलबा पड़ा हुआ है, अभी उसका हम बता नहीं सकते कितना डैमेज हुआ है, पता चलेगा जैसे जैसे चीज़ें वहाँ पे और स्टडी की जाएगी। ऑन थर्सडे पंकज अग्रवाल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर कन्वेड एन इमरजेंसी मीटिंग टू अ सर्टेन डैमेज टू प्रोजेक्ट ऑपरेटेड बाय नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC। ऑल ब्रिजेस डाउन स्ट्रीम टू टीस्टा 5 हाइड्रो पावर स्टेशन वर सबमर्ज और वॉश आउट। तो ये देखिए टीस्टा के जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो गए हैं। जस्ट अ सेकंड। वॉश्ड आउट डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया। द फ्लड वाटर ओवरटॉप द डैम ऑफ टीस्टा 5 पावर स्टेशन 510 मेगावाट। ऑल कनेक्टिंग रोड टू द प्रोजेक्ट साइट्स एज वेल एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉलोनी हैव बीन सीवियरली डैमेज। तो सारी चीज़ें डैमेज हो गई है, पावर मिनिस्ट्री इन्होंने ऐसा बोला है। द टीस्टा 3 पावर प्रोजेक्ट इज नॉट ऑपरेटेड बाई NHPC, ये NHPC ऑपरेट नहीं करता है। 1 NHPC एम्प्लॉय एट अ टीस्टा 5 पावर स्टेशन लॉस्ट इज लाइफ। ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अदर पर्सनल एट द साइट्स वर सेफ। वर्क ऑन द अंडर कंस्ट्रक्शन टीस्टा 6 500 मेगावाट
of the NHPC were disrupted with water entering into the powerhouse and transformer craven. Dams and hydropower projects in the downstream West Bengal were not significantly affected but were kept shut from the heavy siltation that resulted from the flood water. तो बंगाल में जो जो प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर अफेक्ट कुछ ऐसा खास पड़ा नहीं है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है, पर जो हैवी सिल्टेशन जिसके साथ जो मलबा आया था पानी के साथ उसके वजह से उन सारे प्रोजेक्ट्स को रोका गया है, अभी शटडाउन किया गया, पर कोई डैमेज नहीं हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप 26 रिलीफ कैंप इन द फोर अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेड ऑन थर्सडे, विद एटलीस्ट 1025 पीपल टेकिंग शेल्टर इन द 8 रिलीफ कैंप्स इन द गैंगटॉक रीजन। तो वहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट वो अपना काम कर रही है। द फ्लड डिस्ट्रॉयड 11 ब्रिजेस इन द स्टेट विद 8 ब्रिजेस गेटिंग वॉश्ड अवे इन द मनगन डिस्ट्रिक्ट अलोन, 2 ब्रिजेस वर डिस्ट्रॉयड इन नामची एंड 1 इन गैंगटॉक। तो ब्रिजेस भी हो गए तो मतलब कनेक्टिविटी भी खराब है। वाटर पाइपलाइन सीवेज लाइन एंड 277 हाउसेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन 4 मोस्ट अफेक्टेड एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मंगम, गैंगटॉक, पैक्योंग एंड नामची। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज है खराब है। आर सच इवेंट्स लाइकली इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में भी ऐसे होगी? सेवरल स्टडीज हैव ओवर द ईयर्स वॉर्न ऑफ द रिस्क ऑफ ग्लोफ इवेंट्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड इवेंट्स फ्रॉम द हिमालय, बोथ द फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ द सच इवेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली इन द फ्यूचर। तो इवेंट्स भी इंक्रीज होंगे, इनके इफेक्ट्स भी इंक्रीज होंगे, सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। द हिमालयन इकोसिस्टम इज द मोस्ट फ्रेजाइल इन द वर्ल्ड एंड एनी डिसरप्शन इन द वे वी आर मैनेजिंग दिस रिसोर्सेज विल हैव अ प्रॉब्लमेटिक आउटकम फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। तो सबसे पहले हिमालयन जो इकोसिस्टम है मोस्ट फ्रेजाइल है और उसमें कुछ भी करेंगे तो भाई वो अपना तो दिखाएगा ही रंग। राइजिंग टेम्परेचर आर लीडिंग टू वाटर वेटर फ्यूचर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज लेड एक्सट्रीम इवेंट्स, बट इट इज ऑल्सो डिस्टरप्टिंग द फ्रेजिलिटी ऑफ द हिमालयन इकोसिस्टम थ्रू द हाइड्रो पावर एंड अदर डैम। ग्लोफ इज एन आउटकम ऑफ वार्मिंग ऑफ द रीजन एंड दिस हैज़ बीन अ मेजर रिस्क ऑफ द रीजन। तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आप देखिए सबके वजह से ग्लेशियल मेल्ट होते रहेंगे और हाइयर रेट पे मेल्ट होंगे तो उतने ही ज़्यादा फ्लड्स भी आएंगे। वंस इट इज फॉर्म्ड यू नेवर नो वॉट ट्रिगर इट्स आउटबस्ट। तो एक बार हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा इसका आउटबस्ट क्या हुआ। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, हैवी रेन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, मेल्टिंग हो गई, तो वो तो स्पेकुलेशन हम कर ही रहे हैं। तो वही चीज़ें एक बार हो जाएगा तो उसके बाद हम वापस से ट्रेस बैक तो नहीं कर सकते, पर ये सारी चीज़ें रोक सकते हैं। सिक्किम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस सेड अंजल प्रकाश, IPCC ऑथर एंड विद द भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक। ठीक है। वाइल द टीस्टा रिवर इज अ सोर्स ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन ऑन फॉर सेवरल पावर प्रोजेक्ट्स, द रिस्क ऑफ ग्लोफ लाइक इवेंट्स रिक्वायर ग्रेटर केयर इन planning and executing dams and their other infrastructure projects, which accounts for the huge amount of water that can be potentially gushed through the mountains. तो यहाँ पे सारे पानी बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा हमें planning के साथ use करना पड़ेगा, execution करना पड़ेगा dam का, नहीं तो ऊपर से और पानी आएगा, इतना पानी रहेगा, मानिए barricading dams टूट जाएंगे, तब तो flood आना बनता ही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेबल सेड डॉक्टर सैनी, बट रिक्वायर अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच सच एज मल्टीपल एजेंसी प्रॉम्प्टली शेयरिंग सैटेलाइट इमेजेस दैट आर ट्रेन टुवर्ड्स द हिमालय एंड नेटवर्क ऑफ सेंसर्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट वार्निंग। अनलाइक एन अर्थक्वेक दैट इज रिलेटिवली सडन, ग्लोफ इवेंट्स कैन बी एंटिसिपेटेड एज वी कैन मॉनिटर चेंजेस इन द साइड ऑफ लेक्स, बट दिस रिक्वायर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन। साफ इन्होंने बोला कोऑर्डिनेशन अलग अलग उसमें एजेंसीज में, जो हिमालय की फोटोज हमें दें वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। आप देखिए सबसे पहले, जस्ट अ सेकंड, सबसे पहले हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्लोफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, थर्ड सिक्किम लोकेशन, फोर्थ टीस्टा ये जो रिवर है अपना, फिफ्थ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सिक्स ग्लोबल वार्मिंग,
प्लस क्लाइमेट चेंज, सेवन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ेंगी और इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट तैयार करने पड़ेंगे। और शॉर्ट नोट तैयार करने से पहले जब हम ग्लोव की बात करें तो हम कैसे उसको क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट से कंपेयर कर रहे हैं, इंटरलिंक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और कैसे जैसे अलग अलग एजेंसीज हैं उसकी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाए कि सैटेलाइट्स इमेज तुरंत ट्रांसफ़र की जाए आपस में, जिसके वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम काम करे अपना EWS, तो बस इतना हमें ध्यान देना है इस टॉपिक पे। तीसरा ब्रह्मपुत्रा की आपकी ट्रिब्यूटरी है, कैसे ऊपर से ये आती है ब्रह्मपुत्रा की, देखिए इंडिया में ब्रह्मपुत्रा ऐसे एंटर करती है, तीस्ता यहाँ से आती है, तो आप बताइए कौन सा राइट हैंड होगी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बैंक उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, तो आप देखिए ये होगी उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, वो इंडिया में कहाँ जाती है, फिर बांग्लादेश में कहाँ पर एंटर करती है, कुछ इतना ही हमें देखना था। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लीज़ देख लेना NHPC के अंडर में कौन सा है कौन सा नहीं है, सेकेंड वाला थर्ड वाला नहीं है, बाकी फिफ्थ सिक्स सेवन सब है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।